ये जो समानता जो है यूसीसी यूनियन से, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी तक तो ये यूसीसी को कैसे, यूसीसी अगर लागू हो जाता तो सभी तो समान फिर के नजरों में क्या आएंगे। सरकार को शिक्षा पर भी यूसीसी लागू करना चाहिए। पब्लिक नहीं यार, एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग संवाद करेंगे पूर्व संसद माननीय श्री शैलेंद्र महतो जी से, और हमारे देश में यूसीसी कानून को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो उस यूसीसी कानून को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। सर, पब्लिक एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो सर, यूसीसी जो अभी केंद्र सरकार लेके आ रही है, यूसीसी क्या है, ये हमारा जनता जो ये दर्शक गणों को बताइए। देखिए, जो यूसीसी जो सुनने में और खास करके मीडिया में, टीवी में, अखबार में जो आ रही है हम लोग के सामने, यूसीसी का मतलब जिसको कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता या कानून, इसको यूसीसी कहा जाता है। जी अब इसमें यूसीसी पर क्या पूछना है आपको? सर, यूसीसी ये है कि सरकार बोल रही है कि सम्मान, सबको सम्मान का अधिकार देंगे, सभी को सम्मान का अधिकार देंगे, और हमारे भारत देश यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, या यहाँ अभी देखा जाए तो धर्म कोड, 6 धर्म कोड अब दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इस प्रकार से है, और आदिवासी भी है जो सबसे उसका अलग कस्टमरी लॉ है, और सभी प्रकार का है, चाहे बहुत सारे ये समाज के अलग अलग है। तो इस यूसीसी सम्मान नागरिक संहिता भारत देश में कैसे लागू हो सकता है, यानी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा जो देश है विभिन्नता में एकता है, और पिछले दिनों या आज़ादी के बाद जैसे हिंदू एक्ट बना, मुस्लिम पर कोई कानून नहीं बना, और हमारा जो खास करके ट्राइबल पर 1913 में पहले एक इंडियन सक्सेशन एक्ट बना था, और इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो खास करके हम जो देख रहे हैं, ये जो है गजट ऑफ इंडिया में, उसमें लिखा हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 550 थर्ड में शिमला से जारी हुआ था। अब उसमें बहुत क्लियर लिखता है, हुएरेज द ट्राइब्स नोन एज द मुंडाज, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कांध, कोरवाज, कुर्मी, मालसौरिया एंड पान, ड्वेलिंग इन द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, हैव कस्टमरी रूल्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस इनकॉम्पेटिबल विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865, एंड इट इज इन एक्सपेडियंट टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट टू द मेंबर्स ऑफ दोज ट्राइब्स। तो ट्राइब्स को बहुत पहले से ये अधिकार मिला हुआ है, इनका जो परंपरागत नियम कानून होने के कारण इनको सरकार ने ब्रिटिश के टाइम से इसको एक इंडियन सक्सेशन एक्ट से अलग रखा गया है। अब जिस तरह से हमारा यहाँ इंडियन सक्सेशन क्या कहते हैं ट्राइब्स को, जिसमें हमारा कुर्मी जाति भी उसमें शामिल है, जो मैंने 13 जाति का नाम जो हमने पढ़ के सुनाया है ना, अब इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, लिखा जाता है कि हमारा जो ट्राइब्स को, जिसमें जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल में उसका संपत्ति का हकदार है, बिल्कुल लेकिन अपना पिताजी का, अपना बपौती संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए लेकिन हिंदू एक्ट में है, हिंदू एक्ट में लड़की शादी होके जब जाती है ससुराल, तो
तो उसको वहाँ का अधिकार में भी उसको अधिकार मिलता है यार, बाप के घर में भी मिलता है। कौन तो हमारा यहाँ ऐसा नहीं है। तो अभी जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये सारा कानून यानी कि सारा कस्टमर लीव हो जो है ये समाप्त होगा कि नहीं होगा? नहीं देखिए यूसीसी में अब उसका सब्जेक्ट मैटर अभी क्या है अभी क्लियर नहीं है, अभी लोगों के सामने में सरकार ने उसको स्पष्ट नहीं किया है। जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक मैं भी नहीं बोल सकता हूं, और मैं मीडिया में भी देखता हूं, टीवी में देखता हूं, इसकी बारे जब चर्चा होती है तो उसका विभिन्न दल के लोग होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि भाई अभी क्लियर स्पष्ट नहीं है कि सरकार किस ढंग से यूसीसी को पार्लियामेंट में टेबल करने जा रही है। तो सरकार जिस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी बोलते हैं कि एक घर में दो कानून कैसे चलेगा, जब ये यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेगा बात कर रहे हैं, तो अगर मुस्लिम का बात कर रहे हैं तो आदिवासी इसमें भारत देश में आदिवासी भी निवास करते हैं, चाहे बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो क्या सिर्फ मुस्लिम के लिए ये कानून बना रहे हैं, क्या पूरा देश के लिए बना रहे हैं? नहीं मुझे लगता है ये पूरे देश में ही ये लागू होगा, और सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा ऐसा तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि कानून तो सबके लिए बनेगा, और सबसे सबके लिए बनेगा तो उसमें आदिवासी एकदम अलग है। आदिवासी कानून जो है ये तो बहुत पुराना ज़माना का कानून है ना, तो इसलिए इस पर सरकार को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि हमारी अस्मिता, हमारी जो ट्राइबलिज्म आदिवासियत बहुत स्पष्ट है, जो हिंदू से भी हमारा बहुत जगह मेल नहीं खाता है। तो हाँ जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ या मीडिया से हमको जो न्यूज मिला था, बिहार के जो सुशील मोदी हैं जो उन्होंने कहा था कि आदिवासी जो नियम कानून है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह शायद बीजेपी गवर्नमेंट कुछ आदिवासी कानून को छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, तो ये चीज़ अभी देखा जा रहा है कि हर जगह यूसीसी को लेकर के बहुत सारे मीडिया में कुछ मुस्लिम लोगों के बारे में बोला जा रहा है, और बहुत सारे मीडिया में ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी आदिवासियों का CNT SPT हो, चाहे अपना जितने भी पुराने पचों अनुसूचित क्षेत्र हो, ये मतलब पूरा देश में सब बराबरी हो जाएगा, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। जहां तक है कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार का कानून अगर यूसीसी अगर आदिवासी समाज यानी कि इस पूरे इस ये में लागू होता है, तो या मानी कि जो भी है पूरा मतलब जो भी अभी चल रहा है उस पर अगर लागू होता है तो क्या परिणाम आएगा? नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं, मैं ये लोगों का गलत धारणा है, और ऐसा सरकार करेगा नहीं, क्योंकि आदिवासी लोगों के लिए सरकार ने बहुत से नियम कानून बना के रखा है, तो उसको समूल नष्ट करके उसको ख़त्म करके रिमूव करके एक कानून बनेगा ऐसा भारत में ये संभव नहीं है। तो अभी जो आदिवासी समाज भी इसके लिए विरोध पर उतर रहे हैं और मुस्लिम समाज भी विरोध पर उतर रहे हैं, चाहे देखा जाए तो सिख समुदाय भी इसमें विरोध पर उतरने वाले हैं, तो क्या इसमें विरोध को अभी विरोध करना चाहिए कि सरकार का बातों को इंतजार कर लेना चाहिए? एकदम सरकार विरोध करना तो अभी जल्दी हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि अब नदी में बाढ़े नहीं आया है तो फिर हम नदी पार करने के लिए हम कपड़ा वगैरह क्यों खोलने जाएं, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले सरकार किस तरह का कानून ला रही है इसका इंतजार करना चाहिए, और अनावश्यक रूप से घबराना भी नहीं चाहिए, देखा जाए क्या होता है। बिल्कुल, अगर मान लेते हैं देखा जाए कि ज़्यादा इसमें अगर यूसीसी आता है, अगर सबको सम्मान करता है, तो ST SC OBC यानी कि जो भी है ST SC OBC या मुस्लिम, मतलब अगर यूसीसी उस प्रकार का करता है, अगर सम्मान करता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या OBC समाज को भी? नहीं नहीं जैसे हमारा संविधान में
संविधान में है ना भाई, हमको समानता का अधिकार है, कोई जाति पाति इस तरह का नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा भी नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में हम, हमारा संविधान में समानता का हमको अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो समानता जो है UCC यूनियन से, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किन किन मुद्दों को लेकर के लाएगी ये देखना पड़ेगा ना, बिना देखे हम कैसे बोल बताएंगे ये सब। बिल्कुल, और आदमी को हड़बड़ाना भी नहीं चाहिए। अभी जिस प्रकार से UCC मान ले आता है, UCC देखा जाए तो सम्मान नागरिक संहिता का बात किया जा रहा है, मतलब प्रत्येक चीज, अभी अभी भी बहुत सारे आदिवासी समाज हो, मतलब बहुत जंगल झाड़ी में जी रहे हैं और बहुत गरीबी में जी रहे हैं। अगर सम्मान नागरिक अगर हुआ जाए तो शिक्षा को सम्मान लागू नहीं किया है अभी तक, तो UCC को कैसे, UCC अगर लागू हो जाए तो सभी सम्मान के नजरों में आएंगे, तो फिर क्या सरकार को शिक्षा पर भी UCC लागू करना चाहिए? नहीं नहीं, हमारा यहाँ आज भी बहुत सा चीज समान नहीं है। आज जो गरीब बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ आज फीस नहीं लगती है, लेकिन शिक्षा में भी तो समानता है। आज बहुत सा क्या कहते हैं, आज बहुत सा स्कूल में साल का 10 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, अलग अलग ढंग से आज एक व्यवसाय बन गई है। बिल्कुल, आप देखते हैं, आप जमशेदपुर का ही बात करिए, एक है लोयला स्कूल जिसमें लाखों रुपया फीस लगता है, और एक बहुत सारे स्कूल है हमारे यहाँ ये जमशेदपुर में, और एक और थोड़ा सा जमशेदपुर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ का बच्चे लोग देखा जाए तो ठीक से, वो लोगों का कपड़ा ड्रेस भी नहीं है, और हो सकता है किताब भी नहीं है, बैग भी ठीक से नहीं है। तो क्या सरकार को यानी कि शिक्षा पर भी UCC यानी कि सम्मान लाना चाहिए? एकदम लाना चाहिए, समानता शिक्षा में समानता होनी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा में बहुत असमानता है। आज गांव का बच्चा एक इंग्लिश का उच्चारण बढ़िया से नहीं कर पाता है, हिंदी में भी उच्चारण नहीं कर पाता है, लेकिन शहर में जहाँ पर अच्छी शिक्षा दीक्षा है, टाइमली वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ के शिक्षक उसको पढ़ाते हैं, वहाँ पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह जो गांव के लोग हैं या शहर में जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं, वो अपने बच्चों को उसके बराबर तो शिक्षा नहीं दे सकता है ना। तो शिक्षा में बहुत उतार चढ़ाव है, और आज मैं देख रहा हूँ अखबारों में, देखिएगा रोज विज्ञापन मिलता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं लोग, और उसमें गरीब बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और उसकी सरकार को उस पर भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का माध्यम, शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो UCC को लेकर के अभी जिस प्रकार हो गया ना, तो UCC को लेकर के हम लोग जिस प्रकार से बात किया, कहा कि UCC का अभी पूरा ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, हमारा माननीय जी का कहना है अभी पहले ही हम लोग को इतना बड़ा बड़ा जो भी है हम लोग को देख के करना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छा बात कहा, जो कि देश में UCC जैसे शिक्षा को व्यवस्था बनाना चाहिए, काहे कि अभी भी शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो है इस प्रकार का है कि उसमें आप पढ़ने लायक नहीं है, और एक तरफ लोयला जैसे चाहे बड़े बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे हैं, तो इस प्रकार का इसको समान अधिकार अगर UCC अगर लाना है तो शिक्षा पर भी UCC लाना चाहिए, इस प्रकार से हमारा माननीय साहब ने कहा। तो UCC को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसको, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाला दिन में आप वीडियो देखते रहें। उम्मीद है कि पब्लिक एक्शन न्यूज में आपको देख रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद।